अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के जरिए टीकाकरण हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन कैंपेन को अब कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक प्रमुख चुनौती है कि लोग वैक्सीन लगाने से मना कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार कोरोना पीड़ित लोगों की मौत को करीब से देखने वाले काफी स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन लगाने से मना कर रहे हैं। अमेरिका में टीकाकरण शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं और कई जगहों पर 80% स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगाने से मना किया। नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ इनमें शामिल हैं। हालांकि वैक्सीन लगवाने से मना करने वाले लोगों में नर्सिंग होम में काम करने वाले स्टाफ हॉस्पिटल वाले स्टाफ की तुलना में ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का कहना है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर अफवाहों से लोगों में डर फैल गया। कई लोग ये मानने लगे कि वैक्सीन काफी जल्दबाजी में तैयार की गई है। अमेरिका के ओरेगांव के सर्जन डॉक्टर स्टीफन नोबल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई गिनी पिन बनना चाहता है। विज्ञान से जुड़ा एक शख्स होने के नाते मैं ये देखना चाहता हूँ कि डेटा क्या कह रहा है, मुझे पूरा डेटा दीजिए। स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीन लगाने से इनकार करने की वजह से कई स्वास्थ्य कर्मियों ने फ्री ब्रेकफास्ट और कार लॉटरी जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं। कई अमेरिकी राज्यों ने चेतावनी दी है कि अगर स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो अन्य लोगों को उनके हिस्से की खुराक दे दी जाएगी। वहीं 30 साल की नर्स स्टॉमी टैटम ने कहा, फिलहाल उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाने का फैसला किया क्योंकि लंबे वक्त में टीके का क्या साइड इफेक्ट होगा ये पता नहीं। वहीं फ्लोरिडा और वॉशिंगटन में वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या अच्छी है, लेकिन अन्य राज्यों में हालात चुनौती भरे हैं। करीब 1000 केयर होम संचालित करने वाली संस्था फ्रूट हेल्थ के सीईओ नील फ्रूट ने कहा, अब तक 30% से भी कम स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लगाने के लिए हाँ कहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।